गुड मॉर्निंग। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते इकट्ठे होए ना, और जरा 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ GM TIC ਦੇ ਰੇਖਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਸੈਲਫ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ SIC, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ISF ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲ SCST ਹਾਬ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ NSIC ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਭਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈਗੇ, ਸਰਸਰੀਆ ਭੂਸ਼ਣ ਸੋਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ SCST ਹਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ 18 ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਕੀਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਵੀ ਉਸ ਕੋਗਲੇਜ ਦੇ ਸਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਪਲੀਜ਼। नमस्कार, आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। नेशनल SCST हब भारत सरकार की MSME मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी टारगेट्स सेट किए हैं प्रोक्योरमेंट के गुड्स और सर्विसेज, जिसमें कि 25% खरीदारी करती है सूक्ष्म और लघु उद्योगों से और 4% खरीदारी करती है SCST वर्ग के लघु उद्योगों से, जिनके मालिक प्रोप्राइटर या पार्टनर मेजोरिटी पार्टनर SCST वर्ग के उद्यमी हैं। ऐसे उद्योगों से भारत सरकार की खरीदारी का टारगेट है और 4% सेट किया गया है। 4% के अगेंस्ट अभी अचीवमेंट इस साल पिछले साल रहा करीब 1%, 1.03%, करंट ईयर में ये बढ़ के 1.5% के करीब चल रहा है, लेकिन टारगेट अभी 4% है, तो मंजिल अभी दूर है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार के SCST योजना के तहत, जिसमें हमने देश भर में 15 ऑफिस खोले हुए हैं। इसमें पंजाब राज्य में हमारा ऑफिस लुधियाना में है, सहयोगी सोनल भूषण जी उसका हेड है, ज्वाइन कर रहे हैं। इस योजना में हम भारत सरकार की तरफ से इस तरह की मदद प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि SCST वर्ग के उद्यमी आगे आ सके, टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी क्षमताओं का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कहते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से भी होती है, वो सब्सिडी के माध्यम से उनको बोनस दिए जाते हैं, जिससे कि वो अच्छे प्लांट एंड मशीनरी अपने यहाँ लगा सकें, जिसके द्वारा अच्छे उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत कर सकें। और भारत सरकार के जो खरीदी कार्यक्रम है, जो आमतौर पर टेंडर के माध्यम से होते हैं, या तो वो जेम पोर्टल के होते हैं, या तो वो CPP पोर्टल पे होते हैं, राज्य सरकार के लिए अपने अपने पोर्टल हैं, PSUs के अपने पोर्टल हैं, उसमें ई टेंडर प्रक्रिया के द्वारा खरीदी होती है। तो ई टेंडर कैसे भरना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर कैसे यूज करना चाहिए, प्राइसिंग डिसीजन क्या रहना चाहिए कि आप उस टेंडर को जीत सकें, इन सब की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। तो मूल उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को जानकारी दी जाए कि प्रोक्योरमेंट किस डिपार्टमेंट से क्या प्रोक्योरमेंट होगी। तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE जिनको कहते हैं, NSIC खुद में भी एक CPSE है, इसके अलावा जैसे ऑयल सेक्टर की कंपनीज हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम HPCL, पावर सेक्टर की NTPC, पावर ग्रिड, इस तरह के बड़े बड़े जो CPSEs हैं, वो आम तौर पे क्या सामान खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज में क्या खरीदते हैं, जो प्रक्रिया क्या है, और कहाँ कहाँ उनके दफ्तर मौजूद है जहाँ से टेंडर किए जाते हैं, इन सब की जानकारी देना जो है उसका मुख्य उद्देश्य है, कि जैसे जिससे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भागीदारी जो है बढ़ाई जा सके। इसके लिए हम कॉन्क्लेव जो है स्टेट लेवल कॉन्क्लेव का आयोजन करते हैं, तो पंजाब में इसके पहले लुधियाना और जलंधर में पिछले वर्षों में इसके कॉन्क्लेव हुए हैं। अब हमने मोगा शहर का चयन किया है, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो भारत सरकार का एक प्रयास है कि मोगा जिले और इसके आसपास के जिलों में भी इस योजना का प्रसार प्रसार हो, जिससे कि यहाँ के उद्यमी चाहे वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ सेवाएं देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत सरकार के खरीदी कार्यक्रमों में शामिल हो, CPSE के खरीदी कार्यक्रमों में शामिल हो। इसके लिए हमने 18 तारीख को जो प्रोग्राम रखा है, इसमें कई PSUs को हमने आमंत्रित किया है, कई बैंक्स को हमने आमंत्रित किया है,
इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट जो है वो मैडम मर्सी इबाउड है, जो भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर कार्यरत है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, और नेशनल एसेंशियल योजना का संचालन पूरे देश में वही करती है। उनको आमंत्रित किया गया है और वो 18 तारीख को पधारेंगे। साथ ही साथ हमारे एनएसआईसी जो कि देश भर में नेशनल एसेंशियल हब की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसके चेयरमैन का मैनेजरिंग डायरेक्टर डॉक्टर शुभांशु शेखर आचार्य वो भी पधार रहे हैं और वो सभा को संबोधित भी करेंगे और जानकारी देंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने प्रयास किए हैं और कैसे उन प्रयासों में सफलता मिल रही है और क्या अपेक्षित है यहाँ के उद्यमियों से कि वो आगे बढ़े। साथ ही साथ हमें इसमें राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के जियो बी एस सी रेड्डी साहब हमारे साथ उपस्थित है, जो उस बारे में आपको आगे जानकारी दूँ। मैं रेड्डी साहब से अनुरोध करूँगा कि जानकारी दें। थैंक यू जी। मैं सुखमिंदर सिंह रिक्की, GMDIC मोगा। बहुत ही एक अच्छा एक वर्ड तो मैं कहूंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मोगा वास्ते ये पहला इवेंट, स्टेट लेवल का पहला इवेंट है ते पंजाब से तीसरा इवेंट जो NSIC वालों किया जा रहा है। इस इवेंट के थ्रू, इस कंक्लेव के थ्रू जी SC ST एंटरप्रेन्योर की जी भागीदारी पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप वधाने लई NSIC वालों बहुत ही एक विलखणा जिहा पहला किया जा रहा, जिस दे विच स्टेट गवर्नमेंट खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब वालों भी सानू हिदायत आ चुकिया ने, साडे प्रिंसिपल सैकटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उन्होंने वालों भी हिदायत आ चुकिया ने कि असी NSIC नाल और अपने स्टेट वालों मोटे नाल मोटा मिला के इस होण वाले कंक्लेव नू बहुत ही सुचारू ढंग नाल पूरा करना है और उस दे उत्ते असीं काफी दिनां नू वर्किंग भी कर रहे हां। असीं इस कंक्लेव दे विच जिहड़े सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे जिहड़े जिहड़े लाइन डिपार्टमेंट है उन्हां अपनियां अपनियां फैसिलिटेशन स्कीमां या प्रोग्राम्स किहदे नाल उह SC ST कम्युनिटी नू बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है वो आके दसणगे। सो आप जी के माध्यम राही मैं सारे अपने स्टेक होल्डर्स को ये सलाह देना चाहूंगा कि इस इवेंट का फायदा जरूर लें, क्योंकि इस इवेंट ने सारा दिन चलना पर बहुत ही नॉलेजेबल चीजा दसिया जा मेरे को एज ए एडिशनल चार्ज फ्रीकोट भी है फिर उसे मैं एक जानकारी दसनी चाहवा भी इसे मामले में थ्रू कि असी उ भी ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ SC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ NSIC ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DPR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ FDDI ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੱਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ SC ST ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਸਰਵੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਈਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 18th ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ DAC ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ISF ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਈ ਮੌਕੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਜਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीबी गुप्ता, डायरेक्टर आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इस नेशनल एसटी एससी हर कॉन्क्लेव में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं एमएसएमई हिसा का, एनएसआईसी का, जो उन्होंने हमें ये मौका दिया है, इस स्थान को चुना है। आप सभी का उसमें स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी दी गई है कि 18 को बाबा वेस्ट बजे से आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी जूते रोड में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आए, यहाँ पर आपकी उन सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा जो कि बहुत आवश्यक है, जिसमें सुविधा है, होता है, साथ साथ बैठने की व्यवस्था से की जाए। यहाँ पर एक एग्जीबिशन का भी आयोजन होगा, इसमें जो स्मॉल और हमारी माइक्रो मीडियम लेवल की कंपनियों के प्रोडक्ट है उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो बहुत भी उसमें आए रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत भी उसमें आ रहे हैं या आना चाहेंगे जो भी इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, चाहे वो फंड हो, चाहे वो प्रेरणा हो, या भारत सरकार के द्वारा यह एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है कि जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन मार्केट में उसको भेजे कैसे, इसके लिए कई बार हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। कई बार की तो जानकारी खास तौर से होती ही नहीं है कि यह कहां से संचालित होता है, इसके नियम कानून क्या होते हैं, इसके दुर्भावनाओं में भरा कैसे जाए ताकि उनको फायदे। एस सी एस टी उद्देश्य है कि इस कंट्री का मुख्य उद्देश्य है कि 4% एस सी एस टी जो कि लगन उद्योगों में संचालित कर रहे हैं उनकी जीवन शैली में बदलाव लाया जाए, के जीवन के उत्थान के लिए काम किया जाए, किस दिशा में यह पहल के आपके इलाके में महंगा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पहले फार्मेसी में आयोजित किया जा रहा है, इसका अवश्य लाभ लें। और जो भी आपको जानकारी चाहिए है, 1 साल के साथ साथ अलग अलग होल्डिंग्स पर भी दी गई है, उसमें वैन नंबर भी दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है। मैं आपको ये बताना, कई बार ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन की फीस है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बैंक सेक्टर से भी आ रहे हैं, भारत सरकार से भी आ रहे हैं, राज्य सरकार से भी लोग आ रहे हैं जो आपको समस्त जानकारियां उपलब्ध करवाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मेगा डिस्ट्रिक्ट सहयोग दिता है। प्रेस वाले तो बगैर कोई चीज पूरी नहीं है, प्रेस वाले क्योंकि सारी कवरेज प्रेस ने करनी है, बेसिकली मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का तरीका ही प्रेस है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके थ्रू ही लोगों तक मैसेज पहुंचेगा भी सारा प्रोग्राम 18 हो रहा है, दबा चढ़ के लोग आ। तो मेरे नाल मेरे कुलीग सूर्य भूषण जी है, ब्रांच हेड है, नेशनल एस सी एस पी हब जरा अपना लुधियाना ऑफिस है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करूंगा भी 2 शब्द बोलन और इस प्रोग्राम बारे गाइड कर। धन्यवाद सर। मेरा नाम सूर्य भूषण है, ब्रांच हेड से तो ज्यादा से हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन साहब का एस एस कॉलेज के पहले दिन से शुक्रिया करना चाहूंगा कि शुरू के पहले दिन से जब से हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाए, होगा एरिया यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है,
सबकी स्कीम्स है वो कैसी पहुंचाई जाए, ये जब हमारा कंक्लेव डिसाइड हुआ था तो ये काफी टाइम से हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे करके हम लोगों ने काफी लोगों को मोबिलाइज किया है और हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे हमारे आइंस्टर कॉलेज में ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने ज्यादा एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स सराउंडिंग के हैं, होगा के हैं, वो आए, कि इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। आपका एक दिन का मेन भी हो सकता है कि उस अर्निंग थोड़ी कम हो जाए, एक दिन की आमदनी कम हो जाएगी, बट जो जो नॉलेज आपको इस एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म से मिलेगी जहाँ पे अराउंड 26 से 30 के करीब सीपीएससी आ रही है, स्टेट पीएससी आ रहे हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री से हमारे जितने भी डिग्नेटरीज हैं, बहुत एक्सपीरियंस हमारे इम्प्लॉयज हैं वो आ रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, स्कीम्स के बारे में बताएंगे। तो बाकी सारी कवरेज अमेरिका से हमारे स्कीम से कर ली है, जितने ज्यादा वो आएंगे उनको उतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और हम कोशिश करेंगे एस सी एस टी हर लुधियाना से, कि हम लोगों के पास ही नहीं, हमारे पास थोड़ा एरिया बड़ा है, हिमाचल हरियाणा जम्मू कश्मीर पंजाब, तो हम फिर भी हम लोग जहाँ चाहते हो जब जो भी हमारे पास के डेटा आता है, जो लोग आते हैं हमारे पास, उसके बाद हम लोगों का यही हो कि उनके पास जाके हम एरिया पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाएंगे छोटे छोटे ग्रुप में, 20-30-50 लोगों के बीच में जाके हम लोग हेल्थ मॉनिटर करेंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जन्म की, हम लोग टेंडरिंग का प्रोसेस बताएंगे, हम लोग लोन का प्रोसेस बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं उन्हें बताएंगे, हम डीएमसी से बोल के हम लोग जितने ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन बताएंगे, जैन प्लेटफॉर्म में जैन रजिस्ट्रेशन जिस तरह से होती है वो बताएंगे। तो ये जो पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली वो हमारा कंक्लेव होगा उसमें तो मिलेगा ही हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि चेयरमैन साहब आप भी आपका सपोर्ट काफी रहा है हमारे को, आने वाले वक्त में मैं चाहूंगा कि हमारे ऐसे कुछ और प्रोग्राम होते रहे। जीएम डीएमसी सर थैंक यू सो मच, आपने तो सब कुछ सीरियसली रहेगा तभी हमें सबको ग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हम टीम जितनी भी है वो एक छोटे एरिया में जा सकते हैं, पर बड़े एरिया को हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास कोई ना कोई ऐसे ऑफिसर्स या फिर लिंक हो रहे हैं जहाँ से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। चलो सर कुछ शब्द आप भी प्लीज आप बोलना चाहेंगे। थैंक यू, प्लीज सर प्लीज आपका बंदा बोल। बेसिकली ये जो है प्रोग्राम 18 को रहेगा, उसमें जितने लोग आन गए सी एस टी एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली क्या उन्होंने स्कीम का सारा पता लग जाएगा। एक्चुअल गल है उनका फॉलो अप, जो लोग आगे उन्होंने बाद फॉलो अप किस तरह होएगा, फॉलो अप जितना सुखी रोशन जी ने किया है, असं छोटे छोटे लैवल से प्रोग्राम ही करा, सपोज किसी पिंड के बंद 4-5 लोगों हेल्प की लड़ हैगी है तो उसे असं कैंप भी लगावे, तो जीएम टी एस की हेल्प तो असं जीएम टी एस ऑफिस रेगुलर विजिट करते रहेंगे, असं डेट फिक्स कर लाँगे भी हफ्ते एक बार आना है कि 15 दिन एक बार आना है, वो असं टाइम भी डिसाइड कर लाँगे। फिर जिदा कि पत्रकार बंधु ने पूछा सी भाई इस तो बाद की भाई लोगों लग गए करना कितना है, फिर जो हम बैंक तो लोन लेंगे तो बैंक तो लोन का की प्रोसीजर है, क्योंकि लोगों को पता भी लोन लेना है पेपर कहे लगाने पता नहीं का, साढ़े बंदे को एक्सपर्ट है वो दसनगे कि पेपर लगाने हैं, असं बाद फॉलोअप तो रखा तुम एश्योर करते हैं इस माध्यम तो। इस करके मेरी रिक्वेस्ट यही है मैक्सिमम लोग माध्यम थ्रू लोगों को अवेयरनेस पहुंचे ताकि 18 दे प्रोग्राम मैक्सिमम लोग वध चढ़ के आन और इस स्कीम का फायदा। उद्यम डेटा होता है जो उद्यम जो जो भी रजिस्टर्ड होंगे यूनिट उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो सू सेंट्रली डेटा मिले है उद्यम का वो 942 मोगा में है, जो एस ई एस टी ओवरऑल ही कह रहा है सिर्फ एस ई एस 942 है, असं 942 के 942 फोन किया है परसनली, उनके अराउंड 50% लोगों ने अपनी कंसेंट दी, असं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि मैक्सिमम लोग जो ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, छोटा काम करते पे चाहे वड्डा करते पे है, किसी का छोटा मोटा काम सर्विसेज का काम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर से गए किस लैवल से गए वो तो आगे लगेगा पता, क्योंकि ये डाटा इतना नहीं होंगे भाई वो की करता पे इस टाइम उनकी की टर्नओवर है, ये चीजें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होंगे। 942 बंदे है जो डाटा सिंडिकेट किए हैं, वो गए फोन ली फरीदकोट में 600 के करीब है, फरीदकोट के 600 के करीब है, असं उन्होंने आज सारी टीम फोन कॉलिंग लगी हुई है, और असं एक तरह होर दसना चाहवागे जेडे सपोज किसी जगह से कलस्टर बने दसा फरीदकोट ज्योति कलस्टर है, असं उत्थे बस भी भेज रहे हैं, बसा के बाद लोगों को बुला भी रहे हैं, अभी 4-5 बसों का इंतजाम किया हुआ है
ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਡਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਕਿੰਨੀ 600 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 650 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਕਾ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਲਿਆਂ ਆਂਚ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਪਰਸਨਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਮੀਟ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਏ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਏ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਆਈਡੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਈਅਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਨਐਸਆਈਸੀ ਮੈਂ ਐਨਐਸਆਈਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਇੱਕ ਉਦਯਮ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਹਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੈਂ ਸੂਕਸ਼ਮ ਔਰ ਲਘੂ ਉਦਯਮੋ ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋ ਬੜਾਨਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਔਰ ਲਘੂ ਉਦਯਮੋ ਕੇ ਲਈ 25% ਕਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੂਕਸ਼ਮ ਲਘੂ ਐਸੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਲਘੂ ਉਦਯਮੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਕੇ ਉਦਯਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਉਨ ਕੇ ਲਈ 4% ਕਾ ਇੱਕ ਸਬ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਹਬ ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 4% ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋ ਮੀਟ ਕੀਆ ਜਾਣਾ ਇਸਕੇ ਲਈ ਹਮ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਹਬ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਕੀਮੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਜਿਸਮੇ ਕਿ 25% ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਨੇ ਪਰ ਲੋਨ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਓ ਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉਨਕੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਨਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਤੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਉਨਕੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਕੀਮੋ ਸੇ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਕੇ ਉਦਯਮੀਓ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੇ ਭਾਗ ਲੈਣੇ ਕੇ जिससे कि वो टेंडर जीत सकें और जो सरकार का उद्देश्य है कि 4% की खरीदी SC ST वर्ग के उद्यमियों से की जानी है उसको पूरा किया जा सके। सत श्री अकाल जी, मैं गुरपाल सिंह हाँ जी, मैं जोनल जनरल मैनेजर है जी नैशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन इला नैशनल SC ST ऑफिस जोड़ा है वो लुधियाना जगह NSIC एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है लुधियाना ऑफिस ही सारे पंजाब को देख रहा है जोड़ा हब का एक जो कार्यक्रम हो रहा है यह बेसिकली मोगा पहली बार हो रहा है ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟੈਪਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਮੋਗਾ ਦਾ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਨਟੈਪਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੌਂਕਲੇਵ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਕੀਮਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਸਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ MSME ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਾਡਾ AMI ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ CPSEs ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਮ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੈਂਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ 'ਚ MSME 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ DIC ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18th ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਟੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਉਸ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CPSEs ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 10-10-15 ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਲੋਕ ਐਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
और जड़े बंदे उद्यम च रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो अपने रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही मैक्सिमम लोगों को आमंत्रित करा मैक्सिमम लोग आसपास ध्यान एससी एसटी वर्ग के लोग वो इतने के स्कीम का बेनीफिट लैन थैंक यू वेरी मच मेरा नाम सुखमिंदर सिंह रेखी मैं जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर मोगा ते नाल ही मेरे को एडिशन चार्ज GMDIC फरीदकोट एंड GMDIC फिरोजपुर भी है तो अज का जिहड़ा इस ईवेंट के उत्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच जिहड़ा मेन इशू हैगा वो बहुत ही वधिया और बहुत एक निरो उपराला किया गया NSIC वालों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मोगा दे विच SC ST हब दे वालों इन SC ST ही कैटागरी के जिहड़े एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर असीं कहांगे या जिहड़े एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैगा उन्हां वास्ते सरकार दियां चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वह सेंटर गवर्नमेंट है उन्हां वास्ते की फैसिलिटेशनस हैगियां किस तरह असीं हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे के एक डिसेमीनेशन प्रोग्राम के तौर पर एक कनक्लेव कराया जा रहा है कि जिदे विच अंदाजा ये कहा जा रहा है कि अंदाजा 500 तो लैके 700 तो भी ज़्यादा जिहड़े SC कैंडीडेट्स या एप्लीकेंट्स या एसपायरिंग जिहड़े एंटरप्रेन्योरस आउणगे इस काम लई सानू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों भी हदायतां आईयां हन सानू साडे मुख्य दफ्तर प्रिंसीपल सैकटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डायरैक्टर इंडस्ट्रीज़ वालों वो आ चुकियां हन कि असी NSIC नाल मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के असी इस जिहड़ा कनक्लेव नू हर पक्षों इनू बहुत ही सुचारू ढंग नाल करवाना है इहदे वास्ते असी जिहड़े लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी इनवाइट कर रहे हाँ इस तो इलावा जिहड़े स्टेक होल्डरस हैं जिहड़े जिहड़ियां एसोसीएशनस हैगियां चाहे वह इंडस्ट्रियल एसोसीएशनस हैगियां चाहे वह दूजियां जिहड़ियां एसोसीएशन हैं जिन्हां दा वास्ता SC या ST कम्यूनिटीज़ नाल है असी अपने पूरे स्टाफ नाल असी पूरी एक टीम वर्क बन के NSIC नाल असी ये काम कर रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों तो चल रहा है और असी ये उम्मीद करते हैं कि जिहड़ा ये कनक्लेव है ये बहुत ही कामयाब और बहुत ही निवेकला और बल्कि मैं ये अपील भी करांगा इस थोड़े इस माध्यम राही भी जिथे भी मेरी आवाज़ जरा मैं सुन रहे हो को इस कनक्लेव का फायदा जरूर उठाओ ये वास्ते इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए है जो मैनू दसया गया है कि सवेरे तो ही स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छी रिफ्रैशमेंट भी दी जा रही है लंच का भी अरेंजमेंट है और सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी है नॉलेज दी जानी है ना इन ये चीज़ बहुत ही जरूरी है ये 1-to-1 जिहड़ी इंट्रैक्शन होएगी और जो अच्छिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स आके अपना एक एक चीज़ बहुत ही माइन्यूटली दसणगे इतों तक कि स्टॉल्स भी लगे हैं वो स्टॉलों के जिहड़े जिहड़े SC जिहड़े एंटरप्रेन्योर्स हैगे हैं जो अच्छिया अच्छिया चीज़ा बना रहे हैं उन्होंने एक मौका दिता जा रहा है अपने डिस्प्ले वास्ते और इस तो इलावा PM विश्वकर्मा का भी जिहड़ा हैगा वो स्टॉल लगन जा रहा है तो और इस तो भी एक जिहड़ी होर जिहड़ी है एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी असीं स्टॉल लगाउण जा रहे हैं ताकि जिहड़े एंटरप्रेन्योर्स हजे तक अपने आप नूं उद्यम रजिस्ट्रेशन तौर पर नहीं करा सके वो भी इत्थे आके बिना झिझक तो आके सीधा ही साढ़े नाल इत्थे स्टॉल संपर्क करन कनक्लेव का फायदा उठाण सो वो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिहड़ा ये पहला कनक्लेव होण जा रहा है तो मैं सारिआं नूं अपील करांगा स्टेट लैवल का भी इसकी वध तो वध फायदा लिता जाए तो इस नूं शामिल होया जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर GD गुप्ता, डायरेक्टर ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य है 18 अक्टूबर को ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी में NSIC के द्वारा जो कि भारत सरकार की MSME के तहत आयोजित किया जा रहा है जिसमें नेशनल SC ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे लघु उद्योग होते हैं भारत सरकार इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देती हैं लेकिन इनका प्रोडक्ट कहीं तक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। भारत सरकारें चाहती है कि इनको भी उन सभी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके जो टेंडर के द्वारा जाती हैं या उन माध्यमों के द्वारा जाती हैं जिनका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। अतः 18 अक्टूबर को ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सभागार के साथ साथ
एक बहुत अच्छा सा आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। इसमें दो तरह के मुख्य लोग हैं, जो या तो उद्यमी हैं जो कार्य कर रहे हैं या कार्य करना चाहते हैं, अतः उनको उन समस्त चीज़ों की जानकारी दी जाएगी, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली स्कीम हो। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, SC ST जो कि अपने उद्यम कर रहे हैं उनको कम से कम 4% से अधिक मात्रा में उनको सम्मिलित करके मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनकी लाइवलीहुड अच्छी की जा सके, ताकि देश विकसित हो सके और समाज विकसित हो सके, राज्य विकसित हो सके और हमारे प्रधानमंत्री का जो एक संकल्प है विकसित भारत का, उसमें MSME के द्वारा अहम योगदान दिया जा सके और लोगों का जीवन सिर्फ सर्विसेज पे डिपेंडेंट ना हो करके उद्यमी वो बने और ना केवल वो स्वयं रोजगार बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इसके लिए ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी की टीम भारत सरकार के साथ है, MSME के साथ है, NSIC के साथ है और जो भी सुख सुविधाएँ हम यहाँ पर लोगों को दे पाएंगे उस दौरान मैं अवश्य देना चाहता हूँ। सभी को ISF कॉलेज में आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इस कॉन्क्लेव को सफल बनाएं और अपने जीवन में नए उद्यमों के साथ अपने जीवन और इस देश को पूर्ण तरह से उज्ज्वल बनाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।